पर्व देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आज बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे लाइव जुड़ चुके हैं जयपुर जेल से हमारे संवाददाता विवेक। विवेक, आप इस वक्त जयपुर जेल के सामने खड़े हुए हैं, अगर बात करें रक्षाबंधन पर्व को लेकर के, तो आज देश में एक अलग ही उत्साह है। बहनों का ये त्योहार है, आज बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे रक्षा का वादा लेती हैं। आप जयपुर जेल के बाहर खड़े हुए हैं, वहां का माहौल कैसा दिख रहा है, क्योंकि आज बहनें पहुंची हैं जेल में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और ये तमाम तस्वीरें जो है वो जयपुर केंद्रीय कारागार की है, जहां पर भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए देश भर से बहनें जो है वो यहां पर पहुंची है। जेल में बंद जो इनके भाई हैं उनको रक्षा का सूत्र उनकी कलाई पर बांधने के लिए बहनें जो है वो यहाँ पर पहुंची है। तमाम इंतजाम जो है वो जेल प्रशासन की ओर से यहाँ पर किए गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। इस त्यौहारी मौके पर काफी भावनात्मक ये त्यौहार है और हर बहन जो है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे, इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो बहनें हैं जो यहाँ पर पहुंची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने और नाम यहाँ पर जो है पुकारा जा रहा है, जिसके बाद तमाम जो बहनें हैं वो भीतर मुलाकात कक्ष के भीतर जा रही है। हालांकि त्योहारी मौके पर 1 किलो मिठाई जो है वो बहनें अपने भाई को आज दे सकेगी, इस तरह के निर्देश जो है वो जेल प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। तमाम जांच पड़ताल के बाद जो भी सामान बहनें यहाँ पर लेकर के पहुंची है, तमाम जांच पड़ताल के बाद जो है वो इस मुलाकात कक्ष के भीतर जाकर जो है बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध रही है। आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अपने भाइयों की कलाई पर ये रक्षा का सूत्र जो है वो मुलाकात कक्ष के भीतर यहाँ पर बांधा जा रहा है। एक तरफ जो है वो इनके भाई हैं और इसी तरफ बहनें हैं, तो तमाम आप देख सकते हैं एक भावनात्मक त्यौहार रहता है और इसी त्यौहार पर बहनें जो है वो अपने भाई से ये मांगती है कि आखिर भाई जो है वो अपराध की दुनिया को छोड़ेगा, अपराध छोड़कर जो है वापस अपने घर लौटेगा, समाज की मुख्य धारा में लौटेगा। जेल प्रशासन की ओर से भी इस मौके पर इसी तरह के तमाम इंतजाम किए जाते हैं कि समाज के मुख्य धारा में जो है इनको लाया जाए। ये तमाम तस्वीरें देख सकते किस तरह से तमाम जो भाई हैं उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र जो है वो बांधने के लिए बहनें दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुंची है और काफी भावनात्मक पल ये रहता है। भाई की आंखों में आंसू जरूर देख जा सकते हैं, बहन भी यहाँ पर जो है आंखों में आंसू यहाँ पर झलक उठते हैं, तो काफी भावनात्मक पल जो है वो ये रहता है और बहनें काफी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रक्षा का सूत्र जो है वो अपने भाई की कलाई पर यहाँ पर बांध रही है। जेल प्रशासन ने त्योहारी मौके पर इस तरह के इंतजाम किए हैं कि त्योहारी मौके पर बहनें और भाई का मिलन जो है वो यहाँ पर हो सके, बहनें अपने भाई को देख सके, उनकी कलाई पर राखी बांध सके, उन्हें मिठाई खिला सके, उनके तिलक लगा सके और फिर अपने भाई को जो है अपराध की दुनिया छोड़कर वापस सुधरने के लिए उसे जो है प्रेरित करें, समाज के मुख्य धारा में लेकर के आए। यही वो पल जो है एक साल भर से यहाँ पर जो है उसका इंतजार किया जाता है। आप देख सकते हैं करीब 1700 बंदी जो है वो जेल के भीतर इस वक्त है, 1700 बंदी है और करीब ये माना जाता है कि 800 से 900 बहनें जो है वो अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधने के लिए यहाँ पर आती है। तमाम सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम टीमें जो अलग अलग काम के लिए यहाँ पर तैनात की गई है, जिससे किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, आसानी से ये त्यौहार जो है भाई और बहन के मिलन का जो त्यौहार है, स्नेह का जो त्यौहार है, वो जेल के भीतर जो है वो मनाया जा सके। तो तमाम इंतजाम जो है जेल प्रशासन की ओर से यहाँ पर किए गए हैं, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से काफी भावनात्मक पल ये है कि कुछ देर जो है अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसके बाद उन्हें मुंह मीठा कराते हैं, उनके कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधते हैं और फिर बहनें काफी भावनात्मक हो जाती है, क्योंकि ये जो जुड़ाव है, ये जो पल का ये जो क्षण है ये काफी भावनात्मक क्षण है, क्योंकि एक तरफ सलाखों के पीछे उनके भाई हैं और इस तरफ से बहनें जो है वो अपने भाइयों की रक्षा का सूत्र जो है वो इस ओर से बांध रही है। तो हर साल जेल प्रशासन की ओर से इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो जेल के भीतर मनाया जाता है, जिससे किसी को तकलीफ ना हो। भाई और बहन के त्यौहार जो है वो यहाँ पर पारंपरिक रूप से मनाया जा सके और इस बार भी इसी तरह की जमात जो है वो यहाँ पर जेल प्रशासन की ओर से किए गए। जी विवेक, बड़ा ही भावनात्मक ये पल जो तस्वीर हमने देखी, बड़ी ही
भावनात्मक पल है ये, क्योंकि कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी करें लेकिन बहन का जो प्यार है वो उनके लिए अटूट बना रहता है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद विवेक।